अबे पागल है क्या? है क्यों घंटी बजा रहा है? तोड़ेगा क्या घंटी को? तमीज से। तमीज से है कौन तू? पड़ोसी हूँ तुम्हारा। आप बोल क्या काम है? फिर वही बात। अबे क्या फिर वही बात? बात तो अभी तक बताई नहीं तूने। अरे फिर वही बात। अरे क्या फिर वही बात? फिर वही बात, बात तो बता, बात क्या है? फिर वही बात। अरे भाई साहब नशा वशा करके आए हो क्या? ये ठीक है। ये ठीक है तो गलत क्या था? गलत ये था कि आप मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रहे थे। यार क्या आइटम है ये। अच्छा हाँ भाई साहब, आपको क्या काम है बताइए। अब ठीक है? अब ठीक है, लेकिन आपके घर की दीवार ठीक नहीं है, ठीक करवाइए उसे। दीवार ठीक नहीं है मतलब? अरे ठीक नहीं है तो मतलब ठीक नहीं है ना, ठीक करवाइए उसे। अबे तू होता कौन है? फिर वही बात। यार भाई साहब आप होते कौन हो मुझे ये सलाह देने वाले? और क्यों करवाऊं मैं दीवार ठीक? अरे क्योंकि आपकी दीवार की वजह से मेरे घर में सीलन आ रही है। तो मैं क्या करूं? तो ठीक करवाओ ना उसको आप। सीलन तेरी दीवार में आ रही है और ठीक मैं करवाऊं? अरे भाई साहब क्योंकि सीलन आपकी दीवार की वजह से आ रही है। अरे यार तुझे फिर वही बात। अरे भाई साहब आपको कैसे पता जो आपकी दीवार में सीलन आ रही है वो मेरी वजह से आ रही है? वो तो तोड़ के पता चलेगा ना। क्या तोड़ के? तुम्हारी दीवार तोड़ के। अरे यार जब सीलन तेरे घर में आ रही है तो दीवार तू अपने घर की तोड़ेगा ना, मेरे घर की क्यों तोड़ेगा? अरे फिर वही बात। अरे क्या फिर वही बात, बिल्कुल सही बात। जब से आए मेरे घर की दीवार के पीछे पड़ गया, पहले अपने घर की दीवार तोड़ के देखना। गलत बात। सही बात। गलत बात। सही बात। अरे गलत बात, क्योंकि मैंने अपने घर की दीवार तोड़ के देखी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है जिससे सीलन आए। हाँ तो ठीक है, और भी कारण होते होंगे सीलन आने के। तुम्हारे घर की छत पे टंकी वंकी रखी होगी पानी की? नहीं रखी है। अरे तो पानी लीकेज होता होगा ना? नहीं होती है। अरे तो भाई साहब छत पे पानी जमा होता होगा बारिश का? नहीं होता है भाई साहब। अरे तो फिर क्या होता है यार? अरे वही तो पता लगाना है। और वो कैसे पता लगेगा? दीवार तोड़ के। हाँ तो तोड़ तो दी तुमने अपनी दीवार। मेरी नहीं, तुम्हारी दीवार तोड़ के। है ओह भैया ऐसा है, दीवार नहीं टूटेगी? टूटेगी। नहीं टूटेगी? टूटेगी। अरे नहीं टूटेगी? टूटेगी। अगर टूटेगी तो ये बताओ खर्चा कौन देगा? अगर दीवार में कोई दिक्कत नहीं निकली तो मैं दूंगा। और निकली तो? तुम दोगे। ऐसा है भैया, दीवार में कोई दिक्कत नहीं निकलेगी, चलो जाओ यहाँ से। तो ठीक है ना, खर्चा फिर मैं दूंगा। अरे जब दीवार में कोई दिक्कत निकलेगी नहीं तो तोड़नी क्यों है? ये तो तोड़ के पता लगेगा ना कि दिक्कत है कि नहीं है। ऐसा है, मेरे घर की दीवार में कोई दिक्कत नहीं निकलेगी, चल जाए यहाँ से। अरे ऐसे कैसे पता है? जब तक टूटेगी नहीं तब तक कैसे पता लगेगा दीवार में दिक्कत है कि नहीं है? अरे भाई जब कोई दिक्कत निकलनी नहीं है तो तोड़ के करना क्या है? आप तो अभी अभी आए हो यहाँ, इससे पहले तो कोई और रहता था, उसे पता होगा दिक्कत क्या है, आपको थोड़ी पता होगा। अरे तो मेरे भाई जिसे पता होगा ना, जाके उससे बात कर, मेरा मत्था मत खा यार। अरे तो जिसे पता था वो तो तुम्हें घर बेच के चला गया ना भाई साहब। अरे भाई जैसे वो घर बेच कर चला गया ना भाई, तू भी चला जाए यहाँ से, क्यों मत्था खराब कर रहा है मेरा, जाए यहाँ से। एक मिनट, तमीज से। क्या तमीज से है? क्या तमीज से बात करूं? अबे इतनी देर से बदतमीजी से तू बात कर रहा है और मुझसे कह रहा है मैं तमीज से बात करूं? ऐसा पड़ोसी होने का लिहाज कर रहा हूं, वरना ना समेट देता हूं तुझे यहीं। ये 6 नंबर का जूता अगर मुंह पे मार दिया ना तो 9 नंबर छपेगा, ऐसा है दीवार नहीं टूटेगी, चला जाए यहां से, वरना बता रहा हूं बहुत बुरा हो जाएगा, निकल यहां से। बहुत हुआ सम्मान। आप? अरे काहे का आप? तू ऐसे नहीं मानेगा। अबे ये क्या कर रहा है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हट जा कैसे। अबे पागल हो गया, वरना दीवार के साथ साथ तेरा खोपड़ा भी टूट जाएगा। अबे क्या कर रहा है?